गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी में दिए गए गद्य खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से बनाया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें, जिसमें 67वें नंबर का पैसेज है। एक समय था जब भारत वास्तव में विश्व का नैतिक गुरु था। एक समय था जब भारत वास्तव में विश्व का नैतिक गुरु था। There was a time, एक समय था, when India was really a moral leader of the world. There was a time, एक ऐसा समय था, when India was really a moral leader of the world. भारतीय जीवन, संस्कृत और ज्ञान की नैतिक मान्यताएं मानव जीवन को सुख शांति प्रदान करने के माध्यम माने जाते हैं। कहा भारतीय जीवन, संस्कृति और ज्ञान की नैतिक मान्यताएं मानव जीवन के सुख शांति प्रदान करने के माध्यम माने जाते हैं। द इंडियन लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, द इंडियन लाइफ स्टाइल, कल्चर, यहां की संस्कृति एंड मॉरल वैल्यूज और नैतिक जो मूल्य हैं, आप एजुकेशन, ज्ञान के नैतिक मान्यताएं मॉरल एजुकेशन, आप मॉरल वैल्यूज ऑफ एजुकेशन वेयर थॉट टू बी द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू द ह्यूमन लाइफ। फिर सुनिए, कर्म भारतीय जीवन, संस्कृत और ज्ञान की नैतिक मान्यताएं मानव जीवन को सुख शांति प्रदान करने के माध्यम माने जाते हैं। द इंडियन लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ एजुकेशन वेयर थॉट टू बी द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू द ह्यूमन लाइफ। तब मनुष्य चरित्र या मूल्यों के पीछे भागता था। देन ह्यूमन बींग्स यूज टू रन, मनुष्य भागा करता था आफ्टर मॉरलिटी एंड द वैल्यूज। तब मनुष्य चरित्र या मूल्यों के पीछे भागता था। देन The human being used to run after morality and values, जबकि आज मनुष्य सब कुछ एक तरफ छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहा है। But today's man, आज का आदमी, is running, भाग रहा after money, leaving everything aside. बट टूडेज मैन, लेकिन आज का आदमी जी रनिंग आफ्टर द मनी, रुपए के पीछे भाग रहा है, लीडिंग एवरी थिंग एसाइड, लिविंग एवरी थिंग, हर चीज एक तरफ छोड़कर, मूल्य मान्यताओं या चारित्रिक सुधार की बात तो सपना हो गया। The matter of morality, मूल मान्यताओं और सांस्कृतिक सुंदर की बात, the matter of morality, values and character, impact, improvement, चरित्र सुधार, मूल मान्यताओं और चारित्रिक सुधार की बात तो सपना हो गया। The matter of morality, values and character improvement has become a dream, सपना होकर रह गया। स्थिति यह है कि पैसे की चकाचौंध ने ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे सरकारी पदाधिकारियों को पतन की गहरी खाई में फेंक दिया। कारण स्थिति यह है कि पैसे की चकाचौंध ने ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे सरकारी पदाधिकारी को पतन की गहरी खाई में फेंक दिया है।
दी सिचुएशन इज दैट स्थित तो यह है दी ग्लेयर ऑफ मनी पैसे की चकाचौंध ने चमक ने हैज थ्रोन इवन दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स सरकारी अधिकारियों को भी होल्डिंग हायर पोस्ट जो ऊंचे पद को ग्रहण किए हुए इनटू डीप डिच गहरी खाई में आप डिक्लाइन पतन के फ्रॉम वेयर देयर इज नो होप कमिंग आउट जहां से निकलने की कोई आशा नहीं है जहां से उनके बाहर आने की कोई आशा नहीं पतन की यह आदि देश को कहां ले जाएगी केवल भगवान ही जानता है वनी गार्ड रोस केवल ईश्वर जानता है वेयर दिस स्टार्म ऑफ डिक्लाइन वुड टेक कंट्री वनली गार्ड नोस केवल ईश्वर जानता है वेयर दिस स्टार्म ऑफ डिक्लाइन किया पतन की आदि देश को कहां ले जाएगी वेयर द डिक्लाइन यू टेक द कंट्री केवल भगवान ही जानता है पर यदि हम अपने नैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के महत्व की ओर तनिक भी ध्यान दें और उन मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रण करें तो अभी भी प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं पर यदि हम अपने नैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के महत्व को तनिक भी ध्यान दें बट इफ वी पे ए लिटिल अटेंशन बट इफ वी पे ए लिटिल अटेंशन टू आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर मॉरल कल्चरल स्पिरिचुअल एंड इनहेरिटेंस एंड टू बी एन ओथ और अगर कसम खाएं एंड टू एंड टेक एन ओथ एक कसम खाएं टू माउल्ड आवर लाइफ अपना जीवन ढालने का अकॉर्डिंग टू दी वोज वैल्यूज उन मूल्यों के अनुसार अपना जीवन ढालने का प्रार्थना है तो हम अभी प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं वी कैन स्टिल रीगेन प्राप्त कर सकते हैं वी कैन स्टिल रीगेन आवर एंशियंट ग्लोरी दूसरा दिया है जुलाई का महीना था इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई का महीना था इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई अत्यधिक गर्मी और घुटन थी इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिव इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिव मैं स्कूल के लिए चल पड़ा आई लेफ्ट फॉर द स्कूल मैं स्कूल के लिए चल पड़ा आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल या लेफ्ट फॉर द स्कूल अचानक आकाश में बादल छा गए सडनली द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई अचानक आकाश में बादल छा गए सडनली द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई शीतल हवा बहने लगी कूल विंड बिगन टू ब्लो शीतल हवा बहने लगी द कूल विंड बिगन टू ब्लो सूरज घने बादलों में छिप गया द सन हाइड बिहाइंड द डेंस क्लाउड्स द सन हाइड छिप गया बिहाइंड द डेंस क्लाउड्स बादल गरजे और बिजली चमकने लगी The clouds thundered, बादल गरजे The cloud thundered and lightning began, और बिजली चमकी lightning began. झमाझम पानी बरसने लगा It began to rain heavily, it began to rain heavily, या it began to rain cats and dogs. सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा दी रोड्स वेयर फील्ड विथ वाटर एवरीवेयर दी रोड्स वेयर फील्ड विथ वाटर एवरीवेयर छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे काइट्स छोटे बच्चे वेयर एंजॉइंग दी रेन काइट्स वेयर एंजॉइंग दी रेन एक घंटे बाद बारिश हुई It stopped raining after an hour. It stopped raining after an hour. मैं पूरी तरह से भीग गया था I was
drenched completely. I was drenched completely. जब मैं स्कूल पहुंचा तो पता चला कि प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी है. When I reached the school, जब मैं विद्यालय पहुंचा, I came to know that, मुझे पता लगा कि the principal had declared it a rainy day. When I reached the school, जब मैं विद्यालय पहुंचा, I came to know that the principal had declared it a rainy day. प्रधानाचार्य ने इसे वर्षा दिवस घोषित कर दिया. इस प्रकार से देख रहे हैं कि दिए गए पैसेज का अंग्रेजी में किस प्रकार से सावधानी पूर्वक अनुवाद करना चाहिए.